देश कोरोना महामारी जैसी आपदा से गुजर रहा है और सरकार भी इस महामारी से लोगों को बचाए रखने के लिए हर क्षेत्र में प्रयासरत है और पूरे देश प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया है ताकि लोग घरों से ना निकलें और घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। इस महामारी में हिमाचल पुलिस और होमगार्ड के जवान और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी निरंतर 24 घंटे जनता की भलाई के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पूरे हिमाचल और पंजाब सीमा के साथ लगते हिमाचल के रास्तों पर नाके लगाकर दूसरे राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वालों की पूरी जांच पड़ताल और नाकों पर तैनात डॉक्टरों की टीमें भी हर आने वाले लोगों की डॉक्टरी जांच करके ही हिमाचल में प्रवेश करने दे रही है। 24 घंटे जनता की सेवा में जुटे कर्मचारियों को आज पूर्व विधायक इंदौरा व मौजूदा उपाध्यक्ष सामान्य उद्योग निगम हिमाचल प्रदेश मनोहर धीमान ने इंदौरा में अलग अलग जगहों पर जनता को इस महामारी से बचाने के लिए इस कड़कड़ाती धूप में अपनी सेवाएं दे रहे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को अपनी ओर से एक प्रस्तुति पत्र देकर केंद्र सरकार जयराम सरकार और अपनी ओर से एक आभार प्रकट किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, माननीय जयराम ठाकुर जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये जो महामारी है इससे लड़ाई के लिए हमें भी जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैंने आज नीलमा काठगढ़ बरोटा ठाकर द्वारा पुलिस कर्मियों को और जो हेल्थ वर्कर इनके साथ है सबको सम्मानित किया, पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आभार प्रकट किया और लोगों को मेरा संदेश है घर में रहे, बार बार हाथ धोते रहे, सार्वजनिक सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और इस दुखद घड़ी में हमें और बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हम एक दूसरे के हम काम आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सीख मिली है हमें, ये जाते हैं हमें हमेशा याद रहेंगी और बहुत जल्द ये कोरोना वायरस का समय जो चला जाएगा, आने वाला समय जो है सबके लिए अच्छा आएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। उज्ज्वल हिमाचल के लिए इंदौरा से ब्यूरो रिपोर्ट।